जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। हमें सेल थ्योरी बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? फॉर्मुलेशन इज द फॉर्मेशन एंड द डिजाइनिंग। हमने डिजाइन की है सेल थ्योरी के, सेल जो है वो किस चीज से मिलकर बना है और सेल होता क्या है। ठीक है, सेल जो है हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरह बाकी मैटर जो है एटम से मिलकर बना है, सर लिविंग थिंग जो जानदार चीजें हैं वो उनका जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल है। इसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब जो थ्योरी होती है वो क्या चीज होती है? वो एक स्टेटमेंट्स की एक ब्रीफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज क्या है। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कि थ्योरी जो है स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमने किस तरह बनाई, साइंटिस्ट ने इसको कैसे प्रूव किया? हमारे जहन में बहुत से सवाल उठते हैं कुछ चीजों को देख के। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये आपको एक प्लांट नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ हम लेबल भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि प्लांट इसमें से कौन सा। ये प्लांट है हमारे पास जिसके ऊपर पत्ते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, इसको हम इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, एनिमल के ग्रुप में आता है, इसको हम लेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये तमाम जानदार चीजें किस चीज से मिलकर बनी है, आखिर इनको बनाने वाली कौन सी चीज है? तो साइंटिस्ट ने जो काम किया, वो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया। पहले किसी ने देखा कि जी सेल जो है वो एक सर्कुलर शेप में होता है, जो सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल ही होता है, इसकी सर्कुलर शेप होती है। और एनिमल सेल भी प्लांट सेल की तरह के होते हैं। यूं शिल्डर एंड शवान दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। उन इस शवान ने सर्च की एनिमल सेल्स पे, उसने एनिमल सेल्स को देखा कि एनिमल सेल जो है वो किस, एनिमल टिश्यूज जो है वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसको ये देखें, आप कह सकते हैं कि इसने एनिमल की स्टडी की। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है दूसरा साइंटिस्ट था शिल्डन, जो इसके साथ इसका ग्रुप मेंबर था, उसने हमें बताया कि जी प्लांट सेल, उसने प्लांट टिश्यूज को डिस्कस किया। तो उसने भी देखा कि प्लांट जो टिश्यूज हैं वो भी किस चीज के मिलकर बने हुए हैं, वो भी सेल के मिलकर बने हुए हैं, उनको हम प्लांट सेल कह देते हैं। तो उसने प्लांट सेल पे काम किया, ये प्लांट्स पे काम किया उसने। ठीक है जी, हमने लेबल भी कर लिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया। ठीक है, ये बात तो सच है कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन आखिर इसमें अंदर और क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत थी? उसने एक्सटेंड किया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, और एग्जिस्टिंग सेल से करते हैं। ठीक है, यहां हम लिखते हैं कि एक्सटेंड किया है इसने, एक्सटेंड सेल थ्योरी, यहां हम लिखते हैं सेल थ्योरी को उसने एक्सटेंड किया है। हमारे पास जो है तीन मेन इसके पास्टुलेट्स आ जाएंगे, हम यहाँ उनको लिख लेते हैं। थ्री मेन स्टेटमेंट्स हैं जो इस थ्योरी की हमारे सामने आती हैं। थ्री मेन स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, मेन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि जो स्टडी करके यहाँ दी जाती हैं कि ये चीज इससे मिलकर बनी है, ये चीज ऐसी होती है। हम अभी देखते हैं वो कौन कौन सी। जी, हमारे पास फर्स्ट पार्टिकुलेट ये है कि जो आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये एक सेल है। ठीक है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं कि एक सेल है। ठीक है, कि तमाम लिविंग थिंग्स जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? वो बने हुए हैं सेल से। यहाँ हम लिख रहे हैं कि सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट आती है वो ये आती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स किस चीज के मिलकर बने हैं? कंपोज्ड हुए हैं। हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, कंपोज्ड हुए हुए हैं, मिलकर बने हुए हैं सेल्स के। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, यहाँ कंपोज्ड ऑफ लिख लेते हैं। ठीक है, सेल से मिलकर बने, और सेल जो है वो हमारे पास क्या चीज है? बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हमारे पास सेल है, आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉस्टुलेट ये है कि बेसिक यूनिट जो है जिंदगी की, जो बेसिक इकाई है, ठीक है, वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? सेल है। बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का? क्या होता है जी? सेल है। तमाम जिंदा जानदार चीजें जो है वो सेल से मिलकर बनी है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी क्या है? हमारे पास सेल है। ये हमने सेल को डिस्कस किया, हमारे सामने एक डायग्राम मौजूद है। फिर जो हमारे पास वर्चू ने एक्सटेंड की थी, वो पास्टुलेट ये था कि जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है। हमारे पास पहले एक सेल मौजूद होगा, उसी से ही सेल क्या होगा? अराइज होगा। इट्स मीन कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं जो पहले सेल बने होते हैं। ठीक है, बहुत एक अच्छी एडिशन हुई स्टेटमेंट में। हम एक डायग्राम से भी इसको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा? अपने जैसे ही सेल बनाएगा। ये देखें, हमारे पास दो सेल्स बन गए, टू सेल्स हैं।
अब इसका मतलब यह है कि वो वाली थ्योरी भी प्रूव हो गई कि हमारे पास पास्टुलेट प्रूव हो गया कि जो सेल है वो अपने ही जैसे, देखिए बिल्कुल इस जैसा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है जिससे अगला सेल टू सेल अराइज हुए हैं, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास ये थ्योरी है उसके तीन पास्टुलेट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। हमारे पास थ्री पास्टुलेट थे, मीन स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल होता है, और सेल जो है ऑलरेडी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है। ये थी सेल थ्योरी जो कि शील्डन, शवान और विचू ने हमें पेश की थी, और यही सेल थ्योरी जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और आज तक मानी जाती है।